श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्ण ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके रूप निष्ठदेवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर रहे हैं घर के मुख्य द्वार की, यानी घर के मुख्य द्वार पर हम ऐसी क्या वस्तु लटकाएं कि हमारे घर में सिर्फ लक्ष्मी का प्रवेश हो, अलक्ष्मी का ना हो, और हम अपने घर को अलक्ष्मी से किस प्रकार बचाएं, हम अपने घर में को नेगेटिविटी से किस प्रकार बचाएं, हम अपने घर को लड़ाई झगड़े से किस प्रकार बचाएं, हम अपने घर में संबंध खराब होने से किस प्रकार बचाएं, यानी कि हम अपने घर के मुख्य द्वार को ऐसा क्या करें, और मुख्य द्वार की क्या ऐसी खास विशेषता है, क्यों मुख्य द्वार का ही पूजन किया जाता है, क्यों मुख्य द्वार पर ही सारे कार्य करने के लिए कहा जाता है, ऐसी ही सारी जानकारी लेकर आज की वीडियो में आपके बीच। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं बात कर रही हूँ घर के मुख्य द्वार की, यानी कि आपका एंट्रेंस, जहां से आपके घर के सदस्य आपके घर के अंदर एंटर करते हैं। अगर वो आपका कोई अपार्टमेंट है या तो आप किसी फ्लैट में रहते हैं, तो निश्चित आपका वो एक डोर होगा जिसे को खोलने के बाद आप अपने घर के अंदर प्रवेश करते हैं। और अगर आपका अपना निजी वैसा घर है जो मकान बने हुए होते हैं, तो उसमें आपका मेन डोर वो होगा जो मेन डोर फिर आंगन होता है, उसके बाद आपका रूम का शुरू होता है दरवाजा। तो समझ लेना, अगर आप फ्लैट या अपार्टमेंट में रहते हैं तो फिर आपका वो दरवाजा होगा जिसमें आप लॉक करके घर से बाहर जाते हैं, जिसे लोग खोल के सब घर के अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ ये बात क्लियर करना बहुत जरूरी था। घर का दरवाजा ही कारण है मुख्य हमारे घर में नेगेटिविटी आने का, हमारे घर में लक्ष्मी आने का, हमारे घर में अलक्ष्मी आने का। हमारे घर में लक्ष्मी आए या हमारे घर में अलक्ष्मी आए, हमारे घर में नेगेटिविटी आए या हमारे घर में पॉजिटिविटी आए, हमारे घर में सुख समृद्धि आए या हमारे घर में अशांति आए, इन सबका कारण मुख्य दरवाजा होता है। और उस मुख्य दरवाजे पर जो क्या चीज हम अपने घर के अंदर लाना चाहते हैं, मुख्य दरवाजे के माध्यम से उसका कारण हम होते हैं। तो आज मैं बताती हूँ कि उसका कारण हम कैसे होते हैं। हम आपको बताते हैं कि घर में जो मुख्य द्वार है वो हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए, यानी कि मिट्टी लगे, जाले लगे, ऐसा नहीं। सप्ताह में एक दिन हमें घर की चौखट जो होती है, देखिए जिस पर दरवाजा लगा होता है, ये हो गया आपका डोर बंद हो गया, इसके चारों तरफ जो चौखट है जिसमें कि वो दरवाजा लगा हुआ है, उस चौखट को साफ करना बहुत जरूरी होता है। अगर वो आपकी वुड की नहीं है या आपको ऐसा लगता है कि वो खराब हो जाएगी, तो फिर आप उसको गीले कपड़े से सप्ताह में एक दिन साफ करिए। अगर वो ऐसी है जिसे आप धो सकते हैं, स्टील की है, तो उसको जरूर सप्ताह में एक दिन धो लेना चाहिए। इसी के साथ साथ एक लोटे जल का आपको उपाय बताया जाता है कि आप प्रातःकाल उठते के साथ ही उसमें आप नहाए हैं, कुछ भी नहीं करा, कोई बात नहीं, सब प्रातःकाल उठिए, अपने हथेली का दर्शन करिए, अपने प्रभु का स्मरण करिए, उनके शुक्राने करिए, जो भी मंत्र आप अपने जिन भी इष्ट देव को मानते हैं उनके निमित्त जो भी मंत्र आप बोलते हैं वो मंत्र बोलिए, पश्चात धरती माता को प्रणाम करके अपने आसपास दिव्य वृक्षों को प्रणाम करते हुए, गौ माता को प्रणाम करते हुए, चारों दिशाओं को प्रणाम करते हुए अपने घर का द्वार खोलते हैं। उसी समय आपको एक लोटे जल से घर को पवित्र कर देना चाहिए, घर के मुख्य द्वार को। वो एक लोटा जल आपने घर के मंदिर में रखा हुआ लोटा होना आवश्यक भी नहीं है, आप अपने घर में जो लोटा यूज करते हैं उसी में जल लीजिए और उसे घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर आप अच्छे से उनको साफ कर दीजिए, क्योंकि माता लक्ष्मी बहुत शीघ्र प्रवेश करती हैं। और लक्ष्मी जी के साथ साथ अलक्ष्मी वहीं डेरा डाल के बैठी रहती है कि अगर घर के मुख्य द्वार के आसपास गंदगी है, तो साफ सफाई नहीं हुई है, जूते चप्पल बिखरे पड़े हैं, या कि आपने सुबह प्रातःकाल उठ के उसको साफ नहीं किया है, तो अलक्ष्मी तैयार बैठी रहती है कि लक्ष्मी जी जहां प्रवेश नहीं करेंगी वहां मैं तुरंत प्रवेश कर जाऊंगी। और लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं करेंगी और अलक्ष्मी प्रवेश करेंगी तो घर के अंदर लड़ाई झगड़ा क्लेश मनमुटाव और धन का अभाव, फिर कार्यों में रुकावट और संबंधों में तनाव पैदा होना शुरू हो जाता है। और अलक्ष्मी को यही पसंद है, गंदगी लड़ाई झगड़े क्लेश, अलक्ष्मी इनको देख के बहुत प्रसन्न होती है, इसलिए उस घर में तुरंत प्रवेश कर जाती है जहां ये सब हो रहा होता है। तो इसलिए आपको इन चीजों का ध्यान विशेष रखना होता है। तो ये आप करते हैं, घर का मुख्य द्वार आपने स्वच्छ कर लिया, ध्यान रखें वहां कोई जूते चप्पल ना हो, कूड़ा करकट ना हो, कूड़े का डस्टबिन ना हो, कोई ऐसी चीज ना हो। घर के मुख्य द्वार के पास आपका तुलसी होना चाहिए, आपका मनी प्लांट होना चाहिए। इसके साथ साथ नहा धोकर अब जब आप जल देते हैं तुलसी जी में, उसके पश्चात मैंने आपको बताया भी था और नहीं तो आपको ध्यान रहे कि आपको एक स्वास्तिक घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर बनाना चाहिए, चाहे वो हल्दी और कुमकुम मिश्रित करके आप बना सकते हैं और वो आप अपने बनाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि बना हुआ है सुरक्षित है तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा मिटने लगे तो जब आप जल डालते हैं उसे साफ करके फिर पुनः स्वास्तिक बनाइए।
जिस घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बना होता है उस घर में आ लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती है, उस घर में नकारात्मकता कभी प्रवेश नहीं करती है, उस घर में सदैव लक्ष्मी जी ही प्रवेश करती है भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ। और कोई बुरी नजर नहीं लगती है, बद्दुआ नहीं लगती है, बुरी आत्माएं या कोई ऐसी चीज जो नेगेटिविटी है वातावरण में, जिस भी तरह की नेगेटिविटी है, वो आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करती। स्वास्तिक देखकर कोई आपके घर में प्रवेश नहीं करेगा, जो भी नेगेटिव चीजें वातावरण में है आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगी, स्वास्तिक से वो डरती है। इसलिए कहा जाता है कि घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक जरूर दोनों ओर आपके बना रहना चाहिए, जीवंत यानी कि स्पष्ट दिखाई देने वाला स्वास्तिक बना रहना चाहिए। तो ये हुआ। अब बात ये करते हैं कि हमने ये भी बता दिया घर का मुख्य द्वार साफ हो, हमने ये बता दिया कि लोटा जल करे, हमने ये भी बता दिया स्वास्तिक बनाए। इसके साथ साथ हम इतना सब कुछ तो हम करते हैं मैडम, हम रोज करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर में बरकत नहीं, फिर भी हमारे घर में माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर रही, फिर भी हमारे काम नहीं बन रहे, फिर भी हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, बहुत सारी चीजें। अगर इस तरह की चीजें हैं तो घर के मुख्य द्वार, अब आप मैं आराम से समझाऊंगी, आप समझिए, आपका घर के मुख्य द्वार चाहे मेन गेट हो या मेन गेट के अंदर, जब आपका जहां पहला कमरा स्टार्ट होता हो, जहां मेन गेट से आप अंदर आए और पहला रूम जहां स्टार्ट हुआ आपका, उस दरवाजे पर अंदर की तरफ 5 गोमती चक्र लाल कपड़े में लपेट कर बांध कर पोटली बनाकर या हैंगिंग बनाकर, 5 गोमती चक्र कलावे से लपेट 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 कर आप कोई हैंगिंग भी बना सकते हैं सुंदर सा, उसको एक लंबा लाल रंग का लंबा सा कपड़ा लेकर उसके अंदर 5 गोमती चक्र हैंग करके और उस दरवाजे में लगाएं। बस कंडीशन क्या है कि वो दरवाजा बाहर की तरफ नहीं खुलना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं, जहां गोमती चक्र लगा है वो दरवाजा बाहर नहीं खुलना चाहिए, वो दरवाजा आप जब खोले तो आपके घर के अंदर खुले, उसके पीछे वो टांगकर छोड़िए 5 गोमती चक्र। अद्भुत प्रयोग है, आपको चमत्कारी रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे, आप करके देख लेना। माता लक्ष्मी जिस घर के द्वार पर गोमती चक्र उपस्थित होते हैं, 5 गोमती चक्र उनके स्वागत के लिए उपस्थित होते हैं, तैनात होते हैं, खड़े होते हैं, लगे होते हैं, माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर उस घर में प्रवेश कर जाती है। इसलिए 5 गोमती चक्र का ये चमत्कारी उपाय आप जरूर कर लीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार से धन में अभाव है, सुख में अभाव है, शांति में अभाव है, यानी कि सुख भी नहीं है घर में, शांति भी नहीं है और घर में धन भी नहीं है, 5 गोमती चक्र। लेकिन उसके साथ साथ कंडीशन भी यही है कि एक तो वो गोमती चक्र जो आप हैंग करेंगे वो घर के बाहर दरवाजा नहीं खुलना चाहिए, घर के अंदर दरवाजा खुले। अब एक और बात बताओ, जैसे ये दीवार है, आपका दरवाजा ऐसे खुले और वो दीवार की तरफ चला जाए, तो दीवार और दरवाजे के बीच में वो दरवाजा जो है उस पर लटके होंगे तो वो ऐसे सुरक्षित हो गए। अगर आपका दरवाजा ऐसे बाहर खुलता है तो आपने जो लटकाया है वो जो ये वाला हिस्सा है वो बाहर की दीवार पर चला जाएगा, तो वो नहीं करना। आपके घर के अंदर ऐसे दरवाजा खुले, उसकी दीवार पे दरवाजे पे लगे और वो अंदर की तरफ रहे। आप ये देख लीजिएगा, मुख्य दरवाजा मेन गेट जो भी हो वहां पर उन 5 गोमती चक्र को आप लटका कर देखिए एक बार, बहुत जबरदस्त वाला उपाय। और घर के मुख्य द्वार को बिल्कुल साफ और स्वच्छ रखे, चाहे आपको 4 बार करना हो, नहीं मालूम किस समय भगवान प्रवेश कर जाए, नहीं मालूम किस समय भगवान प्रवेश कर जाए, इसलिए विशेष ध्यान आपके घर में आपको अपने घर की साफ सफाई पर देना चाहिए। घर जितना साफ होगा, जितना सुथरा होगा, जितना सुगंधित होगा, उतने लड़ाई झगड़े भी कम होंगे, आनंद आएगा आपको घर में और प्रभु की असीम कृपा तो बरसेगी बरसी, क्योंकि भगवान का प्रवेश उसी घर में होगा, वो घर ही मंदिर जैसा हो जाएगा। तो घर के मुख्य द्वार से ही सब कुछ शुरू होता है। हम लोग घर के मुख्य द्वार की पूजा करते हैं, दहली पूजन होता है, बहुत लोगों क्या होता होगा, जिनके यहाँ होता है मुझे बताइएगा, जब नई दुल्हन आती है तो भी घर के मुख्य द्वार पर आरती किया करके उसको फिर अंदर लिया जाता है, मुख्य दोनों द्वार पर जल छिड़का जाता है, उन्हें पवित्र करा जाता है, जब गृह प्रवेश करते हैं तब भी पहले मुख्य द्वार को पवित्र किया जाता है, आरती किया जाता है, उसके पश्चात अंदर प्रवेश करते हैं। तो इसलिए जब आप कोई बड़ा पर्व मनाते हैं तो भी घर के मुख्य द्वार को पवित्र करते हैं, दीपक जलाते हैं, प्रतिदिन बोला जाता है संध्या दीपक जरूर घर के मुख्य द्वार पर जलना चाहिए।
तो ये सब मुख्य द्वार की बहुत जबरदस्त महत्ता है, लेकिन मुख्य द्वार पर नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, मुख्य द्वार पर खड़े होकर खाना नहीं खाना चाहिए, मुख्य द्वार पर खड़े होकर कभी किसी को आवाज देकर वापस नहीं बुलाना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। कटीले पौधे आप मुख्य द्वार के आसपास आपके नहीं लगे होने चाहिए। इन चीजों का बस ध्यान रखिए तो आ लक्ष्मी आपके घर से दूर रहेगी और लक्ष्मी आपके घर के अंदर सदैव प्रवेश करेगी सुख शांति और समृद्धि के साथ। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना अच्छा है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय बजरंगबली की, जय माता की, जय लक्ष्मी, कुछ भी लिखे लेकिन लिखे जरूर। इस तरह की तमाम वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद।